हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आई हूँ मसाला मैगी रेसिपी, जो सभी की फेवरेट होती है, जो हर कोई खाना पसंद करता है और बच्चों की तो फेवरेट होती ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं 3 पैकेट मैगी के, और मटर लिए हैं हमने 1 छोटा बाउल, जिसको हमने बॉईल कर लिया है पहले से ही। 2 हरी मिर्च जो हमने पतली पतली काट ली हैं, 1 प्याज, 1 टमाटर और 1 बड़ा गाजर, जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अभी हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल लिया है। हम इसे सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तो जब हमारा ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम अपनी कटी हुई प्याज को डाल देंगे और उसकी थोड़ी देर उसको फ्राई करके जब हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें हम मिर्च डाल देंगे और 2 मिनट हरी मिर्च को छोड़ के हम उसके बाद हम अपना जो टमाटर है उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे 5 मिनट हम ऐसे ऑयल में पका के फिर इसमें हम अपनी वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने गाजर और मटर काट के रखी हुई थी, तो वो हम इसको ऐड कर देंगे। इन्हें कम से कम हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से ऐसे ही पकाना है। वेजिटेबल्स डाल के मैगी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा भी टेस्टी लगती है। तो हम ढक के इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इन्हें हमें पूरी तरह से नहीं गलाना अभी। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे और यही हम 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, और इसी के बराबर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसाले इसमें हल्के ही अच्छे लगते हैं। तो मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है ताकि इसकी स्मेल ना आए, मसाले कच्चे ना लगें। जब ये 5 से 7 मिनट हम पका लेंगे तो उसके बाद हमें इसमें 2 बड़े कप पानी डाल के इसको हम अच्छे से पकाने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद जब उबाल आ जाए इसमें, तो हम अपनी मैगी को बिना तोड़े ऐसे ही डालेंगे। बिना तोड़े डालने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी मैगी बिल्कुल नूडल्स जैसी, चाउमीन जैसी बनेगी। तो इसी तरह से जो हमारे मैगी मसाला होता है वो हम सारे मसालों को इसी में डाल देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। सब बोलते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, पर अगर अच्छी मैगी खानी है तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगते ही हैं। कोई भी अच्छी चीज़ बनानी है तो उसमें टाइम लगता ही है। तो इसी तरह से हम आपको अगर टेस्टी और अच्छी मैगी खानी है तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम हमें 10-15 मिनट इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो इसमें एक तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और घुल जाएगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, और जिस तरह से हमारे नूडल्स चाउमीन जैसे लगेंगे वो भी नहीं लगेंगे, वो एकदम गल जाएंगे, टूट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट होने के बाद अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और हमारे नूडल, हमारी मैगी बनके एकदम तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। आपको हमारी ये नूडल्स की रेसिपी
मैगी मसाला रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।